आज हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस कैबिनेट मीटिंग में जो हमने निर्णय लिए हैं, पहला निर्णय है कि हरियाणा की 6 सड़कें जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत उनको घोषित किया गया है नेशनल हाईवे, वहाँ पर हमारे जो टोल टैक्स थे उन सभी टोल टैक्स को हमने हटा लिया है। 1002 पटवारी जिनका चयन हो गया है उनका प्रशिक्षण का काम अभी जो शेष है वो भी बहुत शीघ्र 5 जगह पर उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा ताकि बाद में उनसे नियुक्ति उनकी जल्दी से हो सके। बिजली कंपनियों के लिए इंजीनियर्स और कुछ अन्य पदों पर 605 भर्तियों के लिए निर्णय किया गया है। रिटर्न टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इंटरव्यू साक्षात्कार केवल 10% का होगा, 90% रिटर्न टेस्ट के आधार पर ये भर्तियां की जाएंगी। वैट एक्ट में संशोधन का निर्णय हम लोगों ने किया है और इस संशोधन के बाद प्रदेश में डीजल का रेट आसपास के प्रांतों के रेट के बराबर हो जाए, इस प्रकार का निर्णय उसमें से अपेक्षित है। कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको हमने 58 वर्ष कर दिया है, लेकिन डी क्लास की जो रिटायरमेंट एज है 60 वर्ष रहेगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन और सदस्य, इनको सबको हटाने का फैसला किया है। हरियाणा टीचर सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एक्ट को निरस्त करने का फैसला किया है। एडॉक और कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी हैं, जो अभी तक जैसे ठेकेदार प्रथा के ऊपर भी कर्मचारी लगाए जाते रहे हैं, ऐसे किसी कर्मचारी के निधन होने पर उनके परिवार को एक्स ग्रेसिया के रूप में 3 लाख रुपए देने का फैसला किया है। सूखा राहत इस नाते से विशेष तौर पर 3 जिलों से जो रिपोर्ट और सर्वे आया है, जींद, भिवानी और हिसार, जिनकी 50% से ऊपर हानि हुई है, ऐसे सब किसानों को के लिए 123 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वो उनको वितरित होगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के 55 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो निर्णय था HCS के, वो हमने उसको क्लियर किया है कि वो आगे करेंगे, मतलब इसी आधार पर उनको नियुक्ति उनको करने के लिए पारदर्शी तरीके से वो नियुक्ति हो ऐसा बता दिया गया है।